हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गेन बाय पूजा। और ये मामला है प्राथमिक शिक्षक बहाली से। जैसा कि जो डी एलेड किए हुए हैं, उन्हें सब पहले था कि उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, पर अब ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बीएड डिग्री वालों को भी समान अवसर मिलेंगे। आइए जान लेते हैं कि क्या लिखा है इस न्यूज़पेपर में इससे रिलेटेड। पटना हाई कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि 94,000 प्राइमरी शिक्षकों की बहाली में केवल डीएलएड के योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता देना सही नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का यह भी फैसला गलत होगा कि शिक्षकों की बहाली में डीएलएड डिग्री धारियों की कमी रहने के बाद ही बीएड डिग्री धारियों को मौका दिया जाएगा। न्यायाधीश डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने हेमंत कुमार एवं अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षक बहाली से संबंधित नियम, जब एनसीटी बताती है कि एनसीटीई ने कहा कही है कि अपनी अधिसूचना में प्राथमिकता शब्द का जिक्र नहीं किया है, तो बिहार सरकार ने डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की बात कैसे सोच ली। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब बहाली की प्रक्रिया चल रही थी तो बीच में ही नियम कैसे बदल दिए गए। मालूम हो कि हाल में ही केंद्रीय विद्यालय की प्राथमिक कक्षा 1 से 5 में शिक्षकों की बहाली में बीएड एवं डीएलएड डिग्री धारियों को एनसीटीई ने एक समान मौका दिया था, जिसमें प्राथमिकता शब्द का जिक्र नहीं किया गया और ना ही नियम को बदलने की कोई सूचना दी थी। और 14 तक जमा होंगे आवेदन। प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों से 15 जून से नियोजन इकाइयों में आवेदन जमा किए जा रहे हैं, जो 14 जुलाई तक आवेदन जमा होंगे। तो ये था न्यूज़ कि बीएड डिग्री वालों को भी समान अवसर। तो कैसा लगा आपको? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।